मैं डॉक्टर राजेश्वर लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से हूँ। मेरा सवाल ये था कि सांख्य योग में दोनों दर्शन में जिस ज्ञान से मुक्ति की बात की जाती है, अर्थात जो विवेक ख्याति है, विवेक ज्ञान है, और अद्वैत वेदांत में जो ज्ञान से मुक्ति की बात की जाती है, इनके ज्ञान का स्वरूप क्या है जो हमारे सांसारिक या आनुभविक ज्ञान से वो ज्ञान अलग होता है, ये हमारा सवाल है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वो परमात्मा परम तत्व एक ही है जिसको हम अद्वैत कहते हैं, नहीं है दो। वेद उसको सवित या सविता नाम से उसकी व्याख्या करता है। जिस आदि तत्व ने या ईश्वर ने इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर से प्रसवित किया है, माता जैसे एक बच्चे का प्रसव करती है तो वो बच्चा उसी का अंश होता है और उससे अलग होके वो अलग द्वैत में मालूम पड़ता है कि ये माता अलग हो गई और ये पुत्र अलग हो गया। ऐसे ही जब वो परम ब्रह्म अपनी वास्तविक अवस्था में निवास करता है, अपने आप में वो शांत रूप, चैतन्य रूप, आनंद रूप, इस तरह का वो माना जाता है। एको बहुस्यामी, एक वचन आता है, परमात्मा ने सोचा मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनेक रूपों में विभक्त हो जाऊँ, अपने को बहुत से रूपों में मैं देखूँ। तो जैसे माता से बच्चे का प्रसव हुआ, फिर वो एक श्रृंखला चल पड़ती है, बच्चा अपने में एक नई चेतना, नई चीज़ों को और कुछ विकार, इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ता है। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति, परम पुरुष परमात्मा को कहिए और ये प्रकृति, हमारे ऋषिगण कहते हैं कि ये कोई दो तत्व नहीं है, एक ही, एक ज्योत का सकल पसारा। एक कोई जैसे समुद्र में पटारें उठी, लहरें उठी, छींटे उठ गए और वे छींटे उठ के इधर उधर विचरण करने लगे, तो वो उसका द्वैत भाव उसमें आ गया। ऐसे ही इस प्रकृति का निर्माण हुआ है और फिर ये जीवात्माएं, असंख्य जीवात्माएं उस प्रभु परमात्मा से अलग हो जाती हैं, विचरण करने लगती हैं और सोचती हैं हम बूंदे हैं, वो सागर था, थोड़े समय तक उसका ध्यान, उसकी याद उनको बनी रहती, फिर वो सृष्टि का एक अलग रूप बन जाता है। आत्माएं हैं, प्रकाश रूप हैं, फिर उनमें दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं, विकार पैदा होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पैदा होते हैं, तन्मात्राएं पैदा होती हैं, तत्व पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार पैदा होते हैं, इन सब से ये विस्तार होता चला जाता है। फिर ये जीवात्मा इस प्रपंच में फंस जाता है और फिर वो अपने उद्गम को ढूंढता है, मेरा उद्गम कहाँ है। फिर हमारे ऋषि समझाते हैं सांख्य योग की जैसे बात की है, पांच तत्व हैं, पांच तन्मात्राएं हैं, ये संख्याएं, इतनी प्रकृतियां हैं, ये है वो है, उनकी संख्याएं बढ़ती घटती बढ़ती घटती चली जाती। और जब हम अपने अंतर्मुख में वही पुरुष जो इस शरीर में प्रकृति से मिल गया है,
अमृत की एक बूंद आकाश से नीचे गिरी, या पानी की बूंद कही है बादल से, और वो नीचे मिट्टी में मिलके कीचड़ हो गई। तो जो उसका शुद्ध स्वरूप था वो नहीं रहा, और पहले से इतने तत्व उसमें निर्मित हो गए, अशांति हो गई, व्याकुलता हो गई, बंधन हो गया, मोह आ गया, उसमें तरह तरह की माया भ्रम आ गए, बहुत सारी चीज़ें होने से ये संसार और जगत उत्पन्न हो जाता है। फिर ये अपने में सिमटना शुरू होता है। जब इसको मोक्ष की कामना होती है जीव को, कितने युगों तक ये सृष्टि चलती रहती है, जीव आत्माएं विचरण करती रहती हैं, फिर ये स्वयं का, अपने स्वरूप का विचार करता है, ध्यान करता है, सत्पुरुषों के निकट जाता है, महापुरुषों के निकट जाता है, फिर अनेक वाद से हटके ये देखता है ईश्वर है, मैं हूँ, प्रकृति है, ये त्रैतवाद में आ जाता है, फिर देखता है नहीं, प्रकृति तो ये मेरा शरीर भी है और ईश्वर है, और ये मेरा जीवात्मा है, ये द्वैत में आ जाता है। फिर सब कुछ सिमट के जैसे आग में पड़ा हुआ लोहे का गोला अग्नि के रूप को धारण कर लेता है, ऐसे उस परम ब्रह्म में तपता हुआ, स्थित हुआ ये जीवात्मा उस आदि स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, पार ब्रह्म स्वरूप को धारण कर लेता है। फिर उसको आत्म अनुभूति होने शुरू होती है कि स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो जो ज्योतियों की ज्योति है, स एव परमेश्वर, वो जो परे से परे, परे से परे, परे से परे है, परम आत्मा, परम ईश्वर है, स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम 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 सबसे परे परम ब्रह्म है, और तद ब्रह्मा हम, ये मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं, ये फिर अद्वैत में आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक धरते जिसका ध्यान, वो मेरी है आत्मा, मैं किसको करूं प्रणाम। आत्मवाद, आत्मा में स्थिति, ये विज्ञान का विषय यहाँ पे आ जाता है, और जब हम विज्ञान में स्थित होते हैं तो उस ब्रह्म सत्ता को अपने भीतर बाहर मध्य सब जगह, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा रहता ही नहीं, वो अपने प्रथम स्वरूप को या अंतिम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसी को जीवात्मा की मुक्त अवस्था कहते हैं। और ये सब सिमट के अपने उसमें आ जाता, जिसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, कि सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती फिर वहीं वापस होके उस हिरण्य गर्भ में, परमात्मा में पहुँच जाती है। ये पुरुष स्वयं ही इसको रचता है, स्वयं ही इसमें विचरण करता रहता है, जैसे समुद्र में जल की लहरें विचरती रहती हैं, स्वयं ही इसमें आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, और स्वयं ही फिर इसको लेके स्वयं में शांत हो जाता है। इसकी शांत अवस्था मोक्ष रूप है, और इस पुरुष की अशांत अवस्था जगत रूप है। और आप बताइए। मैं ये जैसे देखता हूँ, दोनों में जो सांख्य दर्शन जिस मुक्ति की बात करता है वो केवल चित है, वहां पर वहां जो है न तो अद्वैत की तरह सत है और न आनंद है, आनंद भी यहाँ पर नहीं है, और सांख्य दर्शन द्वैत को स्वीकार करता है, वो तो इस बात को मानता है कि मूल तत्व तो दो है, वो किसी भी रूप में अद्वैत की बात नहीं करता, और अद्वैत शब्द जहाँ तक हम मैं समझता हूँ ये द्वैत के प्रतिक्रिया में आया है, इसीलिए अद्वैत वेदांत सांख्य दर्शन को अपना प्रधान मल्ल करता है कि सृष्टि का मूल तत्व दो नहीं हो सकता, अद्वैत का मतलब एक नहीं है, अद्वैत का जो
अर्थ आया है वो कि सृष्टि का मूल तत्व तो दो नहीं हो सकता, इससे आया है। हाँ, तो दो नहीं है तो कितने हैं? एक नहीं है तो तीन की भी संभावना है। दो नहीं है कहने में दूसरी पॉसिबिलिटी है। हाँ, हाँ। एक हम नहीं कर सकते हैं तो उसमें तो त्रैतवाद भी आता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी और असंख्यवाद भी आता है। लेकिन दो एक नहीं हम कर सकते थे, एक कहना अद्वैत का, इसीलिए नॉन डुअलिज्म शब्द प्रयोग होता है, वननेस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक नहीं कहा जाता है, अद्वैत कहा जाता है। और हम जो सवाल हमारा है गुरु जी कि हम चाहते हैं कि जैसे ज्ञान के हमारे लेवल्स होते हैं, हमारा इल्यूजन का मतलब इल्यूजन का ज्ञान हमारा जो लेवल है, हम स्वप्न का ज्ञान होता है, उस ज्ञान वह ज्ञान हमारा तब एलिमिनेट होता है जब हमें जगत का अनुभव होता है। जैसे जब हम स्वप्न से बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये ज्ञान सत्य नहीं था जो पहले मैं स्वप्न में देख रहा था, सत ये है। अर्थात उस ज्ञान वह ज्ञान हमसे दूर तब होता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से जागृत अवस्था का ज्ञान जो हमारा सांसारिक ज्ञान है, अनुभविक ज्ञान है, यह हमारा तब एलिमिनेट होगा जब हम इससे ऊपर जाते हैं। और इसमें हमारे ज्ञान के लेवल में इल्यूजन के अलावा इम्पिरिकल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, लेकिन जो अनुभव ऊपर उसके सबसे ऊपर का ज्ञान है वह ज्ञान क्या अंतर लाता है जो कि हम जगत के ज्ञान को एलिमिनेट करते हैं जब, कि संसार का ज्ञान भी जो है ये मिथ्या है, ये भ्रम है हमारा, ये जो मिथ्यात्व का जो हमें रियलिटी पता चलती है कैसे पता चलेगी, उस ज्ञान के लेवल में क्या अंतर है, मेरा सवाल उसको जानने का है। देखिए, आपने स्वप्न की बात की है, स्वप्न की एक अवस्था है, जागृत की अपनी अवस्था है, सुसुप्ति की अपनी एक अवस्था है, तुरिया की अपनी एक अवस्था है। तो जब तुरिया और तुरियातीत में पहुंच जाता है तो वह स्वतः ही विकारों से रहित, विकार क्या, स्वप्न भी विकार है, जाग गया है ये जागृति भी विकार है, और निर्विकार तभी आएगा जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मान लीजिए हम कहते हैं हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन शरीर भी अपनी जगह मौजूद है, और इसमें से जब हमारी आत्मा बाहर निकल जाएगी तब हमें पता चलेगा ये तो ये पड़ा ये शरीर, और ये जीवात्मा यहाँ खड़ी है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं उद्गम है, जो ये ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर से निकली है इसका भी कहीं ना कहीं उद्गम है। और ऐसी असंख्य आत्माएँ हैं, निम्न आत्माएं हैं, मध्यम आत्माएं हैं, उच्च आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने भीतर निर्मलता को प्राप्त कर लिया है, परम पवित्र आत्माएं हैं, और इन्हीं में होते होते इनकी जो चढ़ाई होती है वो स्वयं ही उस ब्रह्म आत्मा में परिवर्तित तो हो जाते। जैसे एक बीज में अंकुर फूटता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं, और फिर उसमें बीज आ जाता है। जो बीज बोया था वही अंत में वो अवस्था आ जाती है, वही उसकी मोक्ष और शुद्ध अवस्था कही जाएगी। तभी उसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा, मोक्ष ज्ञान प्राप्त होगा जब हम इन स्तरों से ऊपर उठने लगते हैं, उठ जाते हैं। हालांकि योग स्थिति में भी कितने समय तक आदमी रहेगा, फिर चेतना नीचे आते नीचे आएंगे तो फिर यही जंजाल रहेगा, लेकिन निरंतर निरंतर उसमें ध्यानस्थ होने से वो हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे भीतर स्थिर हो जाता है। वही ज्ञान के द्वारा मोक्ष। और जैसे वेद की बात आप कर रहे हैं, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। हाँ, हाँ। इस अपौरुषेयता का मतलब क्या है? अपौरुषेयता का मतलब ये है कि ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, अपौरुषे जो हम मनुष्यों से अतिरिक्त परम पुरुष परमात्मा है उसकी वाणी है। उसकी वाणी कैसे है अब इसको भी हमें समझना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर एक आवेश हो रहा है। मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, बरनावा में एक महात्मा हुए, अब उनका शरीर छूट गया है, कृष्णदत्त ब्रह्मचारी। उनके शरीर में जो
त्रेता युग की आत्मा थी श्रृंगी ऋषि की, उनका आवेश होता था जब वो लेट जाते थे। ये कहते हैं कि वो स्वयं ही श्रृंगी ऋषि थे, और जब वो अपने भौतिक अवस्था में आते थे सामान्य अवस्था में, तो उससे अलग हो जाते थे, भूल जाते थे उन चीज़ों को, और वो लेटे और लेटते ही ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगते थे और वो त्रेता युग के वेद मंत्र उनके मुख से निकलने लगते थे। तो उनसे कौन कहलवा रहा है उन चीज़ों को? उनकी स्मृति कहिए, वो स्मृति बची हुई है आत्मा के अंदर। उससे भी परे की बात यह है कि उन मंत्रों की रचना कहाँ से आई? पितामह ब्रह्मा को वो मंत्र दिए गए यानी ईश्वरीय आवेश उनमें हुआ, अपने आप उन्होंने उनको लिखा नहीं या कहीं से याद नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि उनके भीतर एक आवेश हुआ, जैसे पैगंबर मोहम्मद को आप लीजिए, वो हीरा नाम की गुफा में मक्का में जाते थे, 40 दिन उन्होंने तपस्या की, तो जिब्रील नाम का एक फरिश्ता वहाँ आया और उसने उनको दाब लिया और वो उनके भीतर से उस फरिश्ते की आवाज़ आने लगी कि परमात्मा ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, ऐसा है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये वो खुद नहीं बोल रहे थे, तो इसको हम अपौरुषेय कहेंगे। क्या ईश्वर को भौतिक संसार में, जैसे उसमें कोई स्वर्ग की प्राप्ति है, किसी को पुत्र की प्राप्ति है, किसी को जो है गायों की प्राप्ति है, ये सब जो भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए वेदों में मंत्रों का जो विवरण है, क्या यह वेदों के पर सवाल नहीं उठाता है कि वेदों में जो तत्व ज्ञान का केंद्र होना चाहिए उसमें सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने, सांसारिक सुख प्राप्त करने का भाव निहित है, तो हम इस ग्रंथ को कहाँ तक हम प्रामाणिक माने? और इसी शायद संदेह के आधार पर वेद में कर्म कांड और ज्ञान कांड को अलग करके उपनिषद की रचना की गई। तो वेदों में ये जो चीजें हैं जो सांसारिक सुख की प्राप्ति का है, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति का है, ये क्या उसी महापुरुष का है या क्षेपक के रूप में जोड़ा गया है? और दूसरी तरफ जो मीमांसा का जो कर्म कांड है वह भी कितना प्रामाणिक होगा तत्व ज्ञान के रूप में, उसका क्या रोल होगा, इस चीज को हम क्या समझें? देखिए, तत्व ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या कही जाती है। उसके अतिरिक्त जो सांसारिक विद्याएं हैं, हमें पुत्र कैसे प्राप्त हो, हम स्वस्थ कैसे रहें, हम सड़कें कैसे बनाएं, हम राज्य का निर्माण कैसे करें, हम समाज को उच्चता में कैसे ले जाएं, इन चीज़ों की भी हमको ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? होती तो है ना, अवश्य होती है। तो केवल ब्रह्म ज्ञान मात्र से संसार का काम तो चलने वाला नहीं है, और जब एक समूह पैदा हो गया तो उसकी तरह तरह की समस्याएं भी पैदा हो गईं, उनको बहुत सारे भोजन भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, कृषि भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, सुख भी चाहिए। शरीर में दुख आ गया है, प्रकृति में दुख आ गया, तो उसका निवारण कैसे करें, वो भी चाहिए। उन चीज़ों का ज्ञान हमको कौन देगा प्रारंभिक काल में? नहीं, जैसे उसमें ये चीजें कही जा रही है ना कि हे इंद्रदेव हमारे खेत में वर्षा करो। हाँ, अब इंद्रदेव से अपने खेत में, हाँ, तो ईश्वर का अपना क्या खेत था, क्षेत्र था, अपने खेत में वर्षा कराने की बात करता है? यह तो एक ढंग से भौतिक जगत की वस्तुओं की मांग है कि अपना पराया करने का, यही अगर यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन की कि हमारे अंदर भेद दृष्टि है। और जब जैसे ही ऋषि का मंत्र अगर यह कह रहा है कि हमारे खेत में वर्षा करो, तो निश्चित रूप से दूसरे का खेत बचा रहा है, अपने तक की बात कर रहा है, तो स्वार्थ और परमार्थ उसके सामने आ रहा है। तो यह जो सेल्फिशनेस है, ये मुक्ति के रूप में वेद कहाँ, ये तो दूसरे भाव पैदा कर रहा है वेद, ये चीज अलग है।
और अधिकतम वेद मंत्र जो है वो सेल्फ के प्राप्त स्वार्थ के वशीभूत लिखे गए हैं। मंत्रों का उच्चारण उठा के देखेंगे तो सारे सारे वही मिलते हैं, बहुत सारे जितने भी उसका जो अर्थ है। उन मंत्रों को लोगों ने अलग अलग तरह से समझा है, उसकी व्याख्या अलग अलग तरह से है। जैसे आपने इंद्र शब्द कहा है तो बहुत से लोग इंद्र से समझते हैं कि जो पर्जन्य है, बादल है या वर्षा का देवता है, और जो मूल रूप है वेद का उसमें हमारे ऋषि कहते हैं इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो किसी देवता से प्रार्थना नहीं करते, वो किसी व्यक्ति से प्रार्थना नहीं करे, वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वर्षा कर दे और हमारे खेत में कर दे। जब हमारा ये शरीर सीमित हो गया, जब हमारा जीवात्मा सीमित हो गई, वो असीमित तो रही नहीं, तो जाहिर है कि हमारे विचार भी सीमित होंगे। और वेद में ऐसे मंत्र भी मिलते हैं, हे परमेश्वर हमारे शत्रुओं को तू पत्थर से कूट दे, हैं तो शत्रु हैं तो उन्हें कूटने की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनसे निवारण भी होगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि इस जगत को त्रिगुणात्मक रचा गया है, त्रिगुणात्मक। आत्मा का जो तत्व है वो परम ब्रह्म है, मन का जो तत्व है, हमारा मन चारों तरफ को विषय वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो, ये स्वाभाविक चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्वर्ग में रहने वाले देवता हों या पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य। तीसरा गुण इसमें आता है तमोगुण। जब हमारे राज्य पे आक्रमण हो गया है, जब हमारा जीवन संकट में पड़ गया है, उस समय क्या करेंगे? उस समय तलवार उठाएंगे, मारकाट होगी, युद्ध होगा। जीवन का यही दर्शन है, कभी हमारा चित्त उस परम ब्रह्म में चढ़ जाता है, वो मोक्ष मार्ग है। कभी हमारा मन भोग विलास, धन संपदा, ऐश्वर्य, राज्य, भोग, इन सब में लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इन सब चीज़ों को उस परमात्मा ने रचा, इसलिए रचा कि ये जीवात्माएं दुखी ना हों, दुखों से निकलें। लेकिन फिर हमारा स्वार्थ, आपने कहा स्वार्थ, स्वार्थ भी मनुष्य में होता है, अहंकार भी होता है, घृणा भी होती है, प्रेम भी होता है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है वो हर एक व्यक्ति से प्रेम 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 नहीं कर सकता, और ये भी स्वभाव है कि हर एक से घृणा 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 ये भी नहीं कर सकता। तो इस शरीर में आकर के वो परम ब्रह्म बहुत सीमित हो गया है, उसको हमारे ऋषि क्या कहते हैं? अल्पेश, एक शब्द दिया है अल्पेश। हालांकि ईश्वर तो विराट है, अनंत है, असीम है, लेकिन वो अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक बात कह रहे हैं कि ये अल्पेश है। इस शरीर में आके जो ये इकट्ठा हो गया है उस परमात्मा का प्रकाश, ये अल्पेश है, ये छोटा सा ईश्वर है। ये चाहे तो उस विराट तत्व को ही प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो ये भोग विलास में रमण करके इसमें नष्ट भी हो सकता है, और ज़्यादा अगर गिरेगा, नीचे पतन होगा तमोगुण में, तो नरकगामी भी हो सकता है। कृष्ण महाराज एक बात कहते हैं इसमें, उपदृष्टा अनुमंता बढ़ता भोगता च महेश्वरा परमात्मेपि चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस शरीर में वो पुरुष ही, वो परम आत्मा ही निवास कर रहा है, लेकिन ये माया से बंध गया है, बंध गया। अस्ति नास्ति भव सिंध में नाम रूप जंजाल, जंजाल में ये पड़ गया, खुद ही पड़ गया और खुद ही इसमें से निकलता है। लखते आत्मस्वरूप जो वे तत्काल निहाल, जो इस प्रपंच से हटके अपनी आत्मा के ध्यान में लग जाते हैं, वे इस प्रपंच से ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, महापुरुष परम पुरुष देवात्मा वे बन जाते हैं और ईश्वर के संपर्क में पहुंच जाते हैं, परम ब्रह्म के संपर्क में आ जाते हैं, और वे उस जैसी ही ब्रह्म आत्माएं बन जाते हैं। इसी में रहता हुआ ये विचार करता रहता है, इसी में शरीर में बैठा हुआ आँखों के झरोखों से देखता रहता है,
कानों से सुनता रहता है जी। और इन्हीं से जब इस ऊब जाता है, परेशान हो जाता है बहुत जन्मों बाद, तब इसके अंदर ब्रह्म वृत्ति पैदा होती, ब्रह्म कामना पैदा होती और ये सोचता है ये जगत मिथ्या। तो फिर सत्य क्या है? उस परम सत्य की खोज करता है और फिर उसमें जाके स्थित हो जाता है, वो इसका मोक्ष रूप प्रकट हो जाता है, इसी में से प्रकट हो जाता है। जैसा कि सत्य को दिखाया गया है कि सत्य त्रिकाला बाधित सत्य, तो क्या ब्रह्म स्पेस टाइम जो काल है और देश से उससे परे रहा होगा, फिर स्पेस टाइम से परे रहा होगा तो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ रहा होगा फिर? क्योंकि जो स्पेस टाइम उसके बाद अगर आया है तो उससे परे उसका कहाँ हो रहा होगा। और दूसरा एक और सवाल हमारे सामने आता है कि जैसे जब मानव बना तो मानव के पहले और जंतु जीव जंतु थे, तो मानव की जो पॉपुलेशन बन रही है, क्या सृष्टि में जितनी चेतना है उसकी संख्या निर्धारित है या उन संख्याओं में से अपग्रेडेशन हो रहा होकर के मानव बना, या फिर मानव अधोपतन के बाद जीव या दूसरे जीव में भी उसका जाना हो सकता है? तो संसार में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है मानव की या और किसकी, तो क्या किसी की घट रही है किसी की बढ़ रही है, उनके बीच में भी कोई रिलेशन हो सकता है, या प्रत्येक जीव की जो चेतना है वो निश्चित है या घट बढ़ रही है, परमात्मा लगातार उसमें जैसे चाहता बढ़ोतरी? देखिए आजकल के वैज्ञानिक डार्विन वगैरह क्या कहते हैं कि बंदर का विकास हुआ होते होते मनुष्य बने, हम इसको सत्य नहीं मानते। सत्य ये है कि प्रथम वो परम पुरुष है, ज्योति स्वरूप है, उससे जो प्रथम रचना हुई वो बंदरों की नहीं हुई है, उससे जो रचना हुई वो देव आत्माओं की हुई, प्रकाश से प्रकाश ज्योतियाँ प्रकट हुई, प्रकाश से अंधकार प्रकट नहीं हुआ। सूर्य का एक टुकड़ा टूटा और ये पृथ्वी बन गया, और कितने समय तक इसके चारों तरफ घूमता रहा और ठंडा कितने वर्षों बाद हुआ होगा है? तो उस परम ब्रह्म में न्यूनता आई, घटते घटते घटते, पहले वो देव रूप में आया, स्वर्ग के देवता और देवता और देवता, ऋषि मुनि परम बुद्धिमान लोग, ईश्वर में रमण करने वाले लोग, और फिर वो उनका ज्ञान घटते घटते माया मोह अभिमान घृणा लड़ाई झगड़े स्वार्थ ये सब होते होते आज जैसे हम लोग बैठे हैं, ये स्वरूप उसका हो गया। अच्छा, रही संख्याओं के घटने और बढ़ने की बात, एक दीपक से आप कितने ही दीपक चलाते चले जाइए वो दीपक कभी घटेगा नहीं, और संख्या के घटने और बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो आंधियों के घेरे में दीपक आ जाएंगे वो बुझ सकते हैं, जिनको लीन होना है विलीन होना है, उच्चता से निम्नता में जाना है, बहुत से ऐसे हमारे यहाँ उदाहरण हैं जो मनुष्य के शरीर में थे और वो कौवा बन गए, काक बसंडी जैसे ऋषि सांप बन गए, 10,000 वर्ष तक वे ऋषि इधर उधर इधर उधर इधर उधर, उनको मनुष्य का शरीर मिला नहीं और वे अनेक जोना जोन में घूमते रहे। तो इसका निम्नता में भी जाता है, आपका जीना है सीढ़ियां हैं, बीच में हमारा घर है, आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, ये चेतना का विकास और ह्रास पे निर्भर करता है। Thank you.